नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमपी पुलिस का ई वेरिफिकेशन, या जो आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, या तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि ज़्यादातर जॉब लगने के बाद किसी कंपनी द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा मांगा जाता है, उसे आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको, चलिए, न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप सिंपली एमपी पुलिस लिखेंगे। हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एमपी पुलिस की। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही आ जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, ये मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ नीचे तरफ वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सिटीजन सर्विस के नीचे, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पब्लिक डोमेन की ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी पुलिस की। यहाँ पर ये सुविधा दी गई है कि नॉर्मल सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन, यहाँ पर अपनी जो भी कंप्लेन है या जो भी काम है जो सिटीजन सर्विस के अंदर दिए हुए हैं, इनको यहाँ से कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, ये वेरिफिकेशन टैब के नीचे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसे ही हम पुलिस वेरिफिकेशन भी कहते हैं, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो आपको फ़ोटो लगेगी एक पासपोर्ट साइज़ की, और कोई भी दो आईडी प्रूफ लगेंगे। तो उन आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इनमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर शुल्क की डिटेल देखेंगे, तो बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और अगर आप एक थाना क्षेत्र का सिर्फ प्रकरण बनाते हैं तो आपको 100 रुपये शुल्क, दो एक ज़िले से अधिक है तो 200 रुपये, इसी प्रकार 400 रुपये दो से अधिक ज़िलों के लिए है। तो दोस्तों, ये मैं अभी आप लोगों को आगे बता दूंगा। सिंपली हम ज़्यादातर एक ही ज़िले का प्रकरण बनवाते हैं, जहाँ हम मूल निवासी रूप से रहते हैं, या करेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर हमारा एक ही होता है, तो सिंपली आपका ये वाला जो है चालान आपका कटेगा। तो चलिए, इसे आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, हाँ और नहीं में से आपको हाँ पर क्लिक कर देना है सेवा का उपयोग करने के लिए। अगर आपके में भी नॉट सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लॉगिन करके इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, तब आप इसे आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये आप ब्लू पट्टी में देख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं फटाक से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बिल्कुल दो चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत है, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। और जो ईमेल आईडी है, ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप इसके, अगर आपके पास मेल आईडी है, तो आपको इसे ज़रूर फिल कर देना चाहिए। लॉगिन आईडी आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं, आपको दो बार यहाँ पर उस पासवर्ड को फिल करना पड़ेगा। तो नाम आपको जो है बहुत केयरफुली फिलअप करना है। जो भी आप पहचान पत्र या जो आईडी प्रूफ आप अपलोड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए। और मोबाइल नंबर एक बार चेक कर लें, उसमें आपका ओटीपी जो है उसी से आपका वेरिफिकेशन होगा। इतना करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अब आपके मोबाइल में एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको ओटीपी के सामने बने बॉक्स पर फिलअप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, और अगर ओटीपी अभी तक नहीं आया है, तो आप रीजनरेट ओटीपी करके फिर उसे वैलिडेट करें। एक बार फिर ओके करेंगे। तो दोस्तों, अब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड यहां पर क्रिएट हो चुका है। फिर से आपको आपके लॉगिन पेज पर आ जाना है, और सिंपली आपका जो यूज़र आईडी जो आपने बनाया हुआ था, वो आपको यहां पर फिलअप करना है। पासवर्ड भी आप ही ने क्रिएट किया था, उसे आप फिलअप करेंगे यहां पर। और जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसे कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई दे जाएगी राइट साइड में। अब आपको जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए सेकंड नंबर का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये चार ऑप्शन और यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे।
सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आप देख रहे हैं, चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन जोड़ें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आवेदन जो है आपका 5 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, फिर एड्रेस आपका फिलअप होगा, फिर आपका शपथ पत्र की डिटेल भरेगी, गवाह की जानकारी आप देंगे यहाँ पर और शुल्क का भुगतान करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने जो भी परिचय पत्र लगाया है या जो भी आईडी प्रूफ लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपका फिलअप कर देना है। अगर मिडिल नेम कुछ नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से माता पिता या पति का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके आईडी प्रूफ में लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उनका नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपका जेंडर फिलअप करना है। जिनका भी ये नाम है, जिनका भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं उनका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर अपलोड करें का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर देना है और आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों सिंपली जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, इसके थ्रू आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। तो ये आपको ऑटो फिलअप दिखाई देंगी, ऊपर की 4 चीज़ें और ये वाला भी 5वीं चीज़ भी, सारी चीज़ें फिलअप दिखाई देंगी। सिंपल आपको ये ब्राउज़र में से जा कर के जहाँ भी आपकी फ़ोटो रखी हुई है उसे आपको अपलोड कर देना है और ये वाले बॉक्स के अंदर आपको सिंपल लिख देना है फ़ोटो, PHOTO फ़ोटो। इसके बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही नीचे आपका एक और जो है स्क्रीन आपको दिखाई देगी यहाँ पर, जिसमें कि आपको आपने जो भी फ़ोटो अपलोड की है उसकी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। अब सिंपली आपको ये रेड कलर का जो बटन है बंद करें पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद दोस्तों नीचे जन्मतिथि का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जन्मतिथि डाल देना है और इसके बाद इन बटनों का आपको यूज़ नहीं करना है, सीधे आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पते के विवरण में। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक सारी जानकारी फिलअप करनी है। आप जो भी एड्रेस डालेंगे यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसी थाने में आपका जो है ये केस फॉरवर्ड होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर, जो भी एड्रेस है, गली नंबर और जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तहसील डालेंगे, भारत मध्य प्रदेश आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप जिला सिलेक्ट कर लेंगे और थाना भी आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पिन कोड डालेंगे और कितने सालों से और कितने महीने से आप इस एरिया में या इस एड्रेस में आप रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इतना करते ही नीचे आप देखेंगे कि आपको एक लाइन यहाँ पर जुड़ करके आ जाएगी, जो आपका एड्रेस है और जो थाना आपका लगना है। इसी के साथ अगर आप एक से ज़्यादा थाने में आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार फिर आपको ये एड्रेस फिलअप करना है दूसरी जगह का और फिर यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करना है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फ़ीस जो बढ़ रही थी तो वो आपको यहाँ पर लगेगी। अगर आपका सिर्फ यही बस एक एड्रेस है तो आपको इतना सिलेक्ट करके, इतना फिलअप करके आपको सीधे यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हम शपथ पत्र में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स, ये जो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, इसमें आपको नहीं कर देना है। अगर आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है तो आपको इसमें नहीं पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको इस चेकबॉक्स पे टिक करना होगा। ये जो डिक्लेरेशन बॉक्स है इस पर आपको ज़रूर टिक करना होगा ताकि आपका ये वेरीफिकेशन करवा रहे हैं कि जो भी आपने जानकारी दी है वो सही है। तो इसमें आपको चेकबॉक्स में टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे पहले अगर कोई भी आपने इससे पहले कोई और आपने आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं कराया, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं कराया तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना और अगर आप करा चुके हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब आपको सिंपली सर्च बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने 2 ID प्रूफ कोई भी यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो चलिए एक एक करके दोनों को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सर्च पर। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिलअप हैं। अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, अगर आप आधार कार्ड या कोई आईडी,
तो जो भी डॉक्यूमेंट आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं, इसमें से आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एक एक करके दो बार आपको करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप पहचान पत्र पर क्लिक करें और आपको चूज फाइल पर करके जहाँ भी आपने अपना पहचान पत्र रखा हुआ है उसे अपलोड कर दें। अब आपको फाइल के विवरण में ये लिख देना है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है पहचान पत्र, वो है क्या, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने अपलोड किया है यहाँ पर लिख देना है कि आधार कार्ड। अगर आपने आधार कार्ड किया तो यहाँ पर आधार कार्ड लिख देंगे और अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। तो अब आपको एक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर अपलोड करना है। जो भी फाइल है आप यहाँ से उसका सिलेक्शन करेंगे और जो फाइल विवरण है यहाँ पर उसे एक बार फिर लिख देंगे, जैसा कि अभी हमने यह आधार कार्ड अपलोड करते समय किया था, और फिर आपको अपलोड करें पर क्लिक कर देना है। तो नीचे अभी एक डॉक्यूमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पर जब आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगेंगे तो आपको ये बंद करें, रेड कलर की जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए अब आपका ये शपथ पत्र की भी जानकारी आपने फिलअप कर दी, अब गवाह की सूचना आपको देना है अगले में। सबसे पहले आपको इसे सबमिट करना होगा, तो आपको ये सुरक्षित करेंगे तो हम यहाँ से अपने अगले राउंड में गवाह की सूचना में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको गवाहों की जानकारी देनी पड़ेगी, जो भी आईडी प्रूफ है गवाहों का उनके अकॉर्डिंगली उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे। मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, ये भी आपका जो एड्रेस जो है कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपको शहर जो भी स्टार वाली चीज़ें हैं उसे ज़रूर फिलअप करना है, और वैसे अगर इनका एड्रेस आप फिलअप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ जो स्टार वाली चीज़ें हैं ये कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको ज़िला सिलेक्ट ज़रूर करना है और आपका जो ये शहर का नाम है उसे आपको ज़रूर यहाँ पर लिखना है। पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद पिन कोड जो आपका यहाँ पर है उसे आपको एड्रेस के अकॉर्डिंग पिन कोड फिलअप कर देना है। तो दो गवाहों की जानकारी है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दूसरे गवाह की भी जानकारी इसी प्रकार यहाँ पर फिलअप करेंगे। दोनों गवाहों की जानकारी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये सेव वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सेव करते ही सबमिट करते ही आपको यहाँ पर तो दोस्तों सेव करने की जगह अगर आपने सबमिट किया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेव करने पर भी आपके सामने ये अनुरोध संख्या आपकी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, तो आपको इसे बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसे नोट करके रख लेना है। अब आप सिंपली आपका जो ये अनुरोध संख्या है इसे आप कॉपी करेंगे और आपको एक बार नागरिक सेवाओं पर यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, उसके सामने फिर एक बॉक्स है, यहाँ पर फिर आपको इस एरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन फिर आ चुके हैं। अब आपने ये वाला तो कंप्लीट कर लिया है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप संशोधन के लिए ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें आगे इस फॉर्म को कम्प्लीट करना है तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध देखें पर क्लिक करना है। तो चलिए जो अनुरोध आईडी आपने कॉपी की थी, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर उस अनुरोध आईडी को जो है कर देना है। इस बॉक्स में आपको अनुरोध आईडी अपनी लिख देना है, इसके बाद आपको इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे और खोजें पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतना करने पर भी आपको अगर इसी तरीके जैसा कि यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कोई अभिलेख नहीं मिला, यही मैसेज अगर आपके सामने भी आ रहा है तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको फिर से यहाँ नागरिक सेवा पर क्लिक करना है एक बार। इस बार आपको फिर नागरिक सेवाओं में आके चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के बाद आके आपको ये संशोधन वाले में आपको क्लिक कर देना है, और अगर आपने ऐसा तभी होता है जब आप फाइनल सबमिट करना भूल गए हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है आपको, इसमें क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से अपनी अनुरोध आईडी को आपको यहाँ पर फिलअप करना है और खोजें पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल दिख जाएगी। अब आपको जो आपकी अनुरोध आईडी है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अब ये ग्रीन बटन पर आपको क्लिक करना है। उस समय आप सुरक्षित करें तक बस गए होंगे, इसीलिए फाइनल समय में जब आप जाते हैं आखिरी वाले राउंड में तो आपको यहाँ सबमिट करें पर क्लिक करना होता है। चलिए आप अभी सबमिट करें पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमें पेमेंट करना है यहाँ पर, तो आपको फिर से आ जाना है, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस बार आपको ये सेकंड जो हमारा हम कर चुके हैं, अब आपको ये थर्ड वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। एक बार फिर आपको अपनी अनुरोध आईडी यहाँ पर डालना है और सीधे आपको खोजें पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई दे जाएगी, अब आपको ब्लू कलर से भुगतान करें पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ये विंडो आएगी आपको भुगतान करें पर क्लिक कर देना है। तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी पेमेंट वाली, अब आपको सिंपली एम पी ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है और पे पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप एम पी ऑनलाइन संचालक हैं तो आपको कियोस्क पर क्लिक करके यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप सिटीजन हैं, आपके पास एम पी ऑनलाइन की आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप सिटीजन पर क्लिक करके इस पेमेंट को कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंशियल पेमेंट है, इसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको पेमेंट होने के बाद बताता हूँ। इसे आप पेमेंट कर दें और इसके आगे वाली स्क्रीन पर आ जाएं। तो पेमेंट होने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, अब आपको इसे प्रिंट निकाल लेना है और फिर इसे क्लोज कर देना, बंद करें पर क्लिक कर देना है। तो अब ये आपकी एम पी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि जो प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं सेम वैसे ही आपको फिर से करना है। आपको फिर से आ जाना है यहाँ पर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनुरोध पर देखें वाले पर फिर से क्लिक करना है, फिर वैसे ही आपको सर्च करना है। तो फिर से आप यहाँ पर अपनी अनुरोध आईडी डालेंगे और सिंपल आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही सर्च आपने किया तो आपकी यहाँ पर भुगतान की पावती आ गई, आवेदन की पावती आ गई। तो भुगतान की पावती आप प्रिंट निकाल चुके हैं जैसे ही पेमेंट आपने किया था, इसके बाद आपको ये वाली पावती और प्रिंट तो ये दोनों पावती निकाल के आपको चले जाना है थाने में और वहाँ जा करके जमा कर देना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट्स करें, वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।